Hello, good morning students. How are you all? I hope you all are fit, fine and healthy at home. Myself, Priyanka, and I was very excited to see you all in my class. But as you know, due to COVID-19, it not be possible now as the government has declared that school will be remain closed till further notice. But in the meantime, I will be make sure COVID-19 will not become a harness for you. So I am going to teach you online and we are going to have fabulous classes with you, full of learning and fun. Okay. Now let's start. Today we will learn about our first chapter is an introduction to computers. An introduction to computers. Okay, our first topic is history of computers. Thousands of years ago, earlier man used fingers, sticks, bones and stones to count. Okay, हजारों साल पहले क्या होता था? हम लोग क्या करते थे कि उंगलियों से, हड्डियों से, पत्थरों से, डंडियों से counting क्या करते थे? As the time passed, better methods of counting were developed. पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमारे पास काउंटिंग के बहुत अच्छे मेथड आ गए. ओके, नेक्स्ट, चार्ल्स बेबेज मेड द इलेक्ट्रिक इंजन विच हेल्प्ड अस इन मेकिंग कंप्यूटर्स. दैट इज व्हाई वी कॉल हिम द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स. चार्ल्स बेबेज ने एक ऐसा इंजन बनाया था जिसके थ्रू हमने मॉडर्न कंप्यूटर्स बनाए थे, इसलिए हम उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स कहते हैं. दिस इज द इमेज ऑफ चार्ल्स बेबेज एंड दिस इज द इमेज ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन. ओके, अवर फर्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स हैज स्पेशल फीचर्स दैट इट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम मैन. कंप्यूटर्स के पास ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उसे हम लोगों से अलग बनाता है. फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड. कंप्यूटर्स वर्क वेरी फास्ट. दे कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ टास्क पर सेकेंड. ये बहुत फास्ट काम करते हैं और ये एक सेकेंड में हंड्रेड्स टास्क परफॉर्म कर देते हैं. सेकेंड है एक्यूरेंसी. कंप्यूटर डू नॉट मेक मिस्टेक, इट ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर. ये कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये हमेशा सही आंसर ही देते हैं. ओके, थर्ड इज ऑटोमेटिक. वंस वी टेल अ कंप्यूटर व्हाट इट हैज टू डू, इट कैन वर्क ऑटोमेटिकली. अगर एक बार इसको इसकी इंस्ट्रक्शंस दे दें कि इसे क्या करना है तो ये अपना काम करता रहता है, कर सकता है. ओके, फोर्थ इज स्टोरेज. द कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इट डज नॉट फॉरगेट द इंफॉर्मेशन स्टोर इन इट. कंप्यूटर अपने अंदर बहुत सारा डाटा एक साथ स्टोर कर सकता है और ये कभी भी भूलता नहीं है इसने कहाँ स्टोर किया है अपना डाटा. ओके, गॉट इट. फिफ्थ है डिलीजेंस. कंप्यूटर्स नेवर गेट टायर्ड. दे वर्क फॉर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड. कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है और ये घंटों तक बिना थके काम कर सकता है, जबकि हम लोग एक डेढ़ घंटा अगर कंटिन्यू वर्क करते हैं तो हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, है ना, थक जाते हैं ना, पर कंप्यूटर नहीं थकता है. ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज वर्सिटाइलिटी. कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टास्क. दे कैन कैलकुलेट, प्रिंट, ड्रॉ, पेंट, टाइप एंड स्टोर. ये काफी सारे काम कर सकता है, काफी सारे टास्क करता है, जैसे कि कैलकुलेट कर सकता है, पेंट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, कुछ भी आपको निकाल सकता है आपके लिए, ड्रॉ कर सकता है और स्टोर कर सकता है. इसमें आप गाने भी सुन सकते हो. दे कैन डू डिफरेंट टास्क फॉर अस. ओके, सेवन्थ पॉइंट इज मल्टीटास्किंग. कंप्यूटर्स कैन डू मैनी थिंग्स एट द सेम टाइम.
कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. वी कीप देम ऑन डेस्कटॉप्स और टेबल्स. दे आर द मोस्ट ऑफ पॉपुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. ए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैज डिफरेंट parts connected with wires. The parts are CPU, keyboard, monitor and mouse. Computer, हम लोग computers को कहाँ रखते हैं? Tables पर और desks पर. They are the most popular type of personal computer. ये popular है personal computers के नाम से. A desktop computer has different parts connected with wires. ये अपने डिफरेंट पार्ट के साथ वायर से कनेक्ट होता है. दीज पार्ट्स आर सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ओके, सेकेंड इज लैपटॉप कंप्यूटर्स. लैपटॉप्स इज स्मॉलर देन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. दे ऑक्यूपाई लेसर स्पेस. दे आर पोर्टेबल. दैट इज वी कैन कैरी देम एनीवेयर इजीली. They have become more popular than desktop computers now. Laptop बहुत छोटे होते हैं desktop computer के मुकाबले. ये आराम से कहीं भी ले जाए जा सकते हैं और ये बहुत ही कम जगह occupy करते हैं. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा popular है इस time पर desktop computer के मुकाबले. Okay? Third है tablet computers. These are very popular these days. They can compact touchable computers. They are smaller than laptop. ये बहुत popular हैं और ये आराम से touchable computers की touchable touch से काम कर सकते हैं. Touchable computers कहलाए जाते हैं और ये छोटे होते हैं laptop से. Okay? और इनको आप आराम से कहीं भी carry कर सकते हो. छोटे अपने बैग्स में, पर्स में, बैग्स में आराम से कैरी करके ले जा सकते हो. कोई इशू नहीं होता है. फोर्थ इज स्मार्टफोन्स. स्मार्टफोन्स आर आल्सो कंप्यूटर्स. आप लोगों के पास स्मार्टफोन्स होंगे, वो भी एक तरीके से कंप्यूटर ही होते हैं. ओके, दे वर्क ऑन बैटरी. ये बैटरी पर काम करते हैं. दे आर पॉपुलर नोन एज मोबाइल फोन्स. ये मोबाइल फोन्स के नाम से जाने जाते हैं. दे आर वेरी फास्ट एंड रिप्लेसिंग अदर टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. इन्हें बहुत जल्दी जल्दी रिप्लेस किया जा रहा है पर्सनल कंप्यूटर्स से. ओके, उनकी जगह पे मोस्टली लोग फोन यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे काम किए जा सकते हैं. इसमें कैमरा होता है. दे हैव कैमरा टू. वी कैन क्लिक पिक्चर्स, प्ले गेम्स, वॉच मूवीज एंड डू मैनी थिंग्स, अदर मैनी थिंग्स. ओके, इसमें हम और बहुत सारे काम कर सकते हो. पिक्चर्स देख सकते हो, अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, मूवीज देख सकते हो, है ना. फिफ्थ इज पैम्फलेट. ओके, पैम्फलेट क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैबलेट एंड फोन्स. ओके, इट वर्क्स ऑन बैटरी. इट इज स्मॉलर देन टैबलेट बट बिगर देन स्मार्टफोन. ये टैबलेट और फोन का कॉम्बिनेशन होता है और ये बैटरी पर वर्क करता है. ये छोटा होता है टैबलेट से पर बड़ा होता है स्मार्टफोन से. ओके, इसे आप पॉकेट में कैरी कर सकते हो. ओके, नाउ थैंक यू. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस वीडियो. नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय.